हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिजाइन करने जा रहे हैं NFA, दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। लेट्स डिस्कस द एग्जांपल। NFA ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स इन विच सेकंड लास्ट सिंबल इज 1। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे अल्फाबेट हैं, जो हम इनपुट सिंबल लेते हैं, वो हम 01 भी ले लेते हैं और कई बार आपको ए और बी भी दिए जाते हैं। तो आपको चाहे 01 दिए हो, चाहे ए बी दिए हो, मतलब चाहे आपको बाइनरी में दिया हो या अल्फाबेट दिए हो, कॉन्सेप्ट सेम ही है। बस आपको सिर्फ चेक करना है कि क्वेश्चन में आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है बाइनरी स्ट्रिंग जिसमें सेकंड लास्ट बिट शुड बी 1। तो यानी अगर हम इसको NFA में डिजाइन करना चाहें, मतलब NFA अगर इसको डिजाइन करें, तो सबसे पहले तो हम इसका बनाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि हम इसको बनाएंगे कि लास्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए। लास्ट में मेरे पास ऑप्शन है 0 और 1 में से कुछ भी आ सकता है। मतलब अगर हम इसकी लैंग्वेज डिजाइन करें, तो लैंग्वेज डिजाइन आप कैसे करोगे? लैंग्वेज के अंदर हमारे पास सेकेंड लास्ट बिट 1 होनी चाहिए। सेकेंड लास्ट बिट का मतलब है कि लेट्स सपोज अगर ये मेरा प्लेस है, सेकेंड लास्ट प्लेस है, सेकेंड लास्ट प्लेस में 1 आना चाहिए और लास्ट प्लेस में 0 या 1 में से कुछ भी आ सकता है। तो आप इसको लिख सकते हो 0+1, मतलब प्लस का मतलब यहां पे क्या है, और या तो 0 या 1, लेकिन दोनों में से कोई भी एक सिंबल आएगा 0 या 1 में से। और उससे पहले क्या आना चाहिए? उससे पहले आना चाहिए 1। और 1 से पहले क्या आना चाहिए? 1 से पहले कुछ भी आ सकता है। कुछ भी का मतलब क्या है? कितने मर्जी 0s, कितने मर्जी 1, 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हम कैसे डिनोट करते हैं? 0+1*। That is what, anytime 0, anytime 1, और कैसे भी इनकी permutation combination आप बना सकते हो, 0, 1 कर सकते हो, 1, 0 कर सकते हो, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, कुछ भी आप जो है 1 से पहले बना सकते हो। तो ये आपका बन गया सिंपल सा रेगुलर एक्सप्रेशन जिसके अंदर सेकेंड लास्ट सिंबल 1, लास्ट में आपके पास 0 या 1 में से कोई भी एक सिंबल आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ भी आ सकता है। तो यहां पर लैंग्वेज में मेरे पास बन गया लाइक 1, 0 टाइप आएगी, 1, 1 टाइप आ सकती है, इसके अलावा हमारे पास 0, 1, 0 टाइप आ सकती है, 1, 1, 0 टाइप आ सकती है, 1, 1, 1 टाइप, कुछ भी जो है आप आगे कुछ भी बनाओ, लेकिन सेकंड लास्ट सिंबल जो है वो आपका 1 आना चाहिए और लास्ट में एक ही बिट आनी चाहिए, 0 या 1 में से कोई भी आ सकती है। तो इस तरीके से हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन करते हैं, या अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहो तो लैंग्वेज बना सकते हो। अब हम इसको बनाते हैं NFA। अब NFA जब डिजाइन करते हैं तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि DFA और NFA में NFA को डिजाइन करना इजी है क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइसेस है, डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड है। तो इसको अगर हम NFA में डिजाइन करें तो क्यों नॉट सेकंड लास्ट सिंबल जो है वो 1 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं मिनिमम से मिनिमम स्ट्रिंग क्या लिख सकता हूं? मिनिमम से मिनिमम स्ट्रिंग आपकी बनेगी 1, 0 या 1, 1। सबसे मिनिमम लेंथ किसकी होगी? सबसे मिनिमम लेंथ है या तो 1, 0 या 1, 1, क्योंकि सेकंड लास्ट जो है वो 1 आ गया, लेकिन लास्ट में 0 या 1 में से कोई भी आ सकता है। तो मिनिमम स्ट्रिंग की लेंथ कितनी बन रही है? 2। मिनिमम स्ट्रिंग की लेंथ अगर 2 बन रही है तो आप ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी? N+1, that is कितनी बिट्स हैं यहाँ पे? 2। लेंथ कितनी है? 2। तो 2+1 आपकी मिनिमम 3 स्टेट्स आएंगी। तो मिनिमम 3 स्टेट्स को बना लेते हैं। तो ये मेरे पास लास्ट सेकंड लास्ट सिंबल को मैंने 1 कर दिया, Q1 कर दिया यहाँ पे, और Q1 से नेक्स्ट हमारे पास कोई भी 0 या 1 में से कोई भी आ सकता है और ये मेरी होगी फाइनल स्टेट। तो इस तरीके से मैं जो है वो NFA डिजाइन कर सकता हूं। अब यहां पे मेरे पास क्यू नॉट से पहले, मतलब 1 पे तो मैं Q1 पे जा रहा हूं, 0 और 1 पे मैं Q2 पे जा रहा हूं, इसके बाद मेरे पास क्या आना चाहिए? 0 और 1 के लिए ये सिर्फ हम DFA के में डिजाइन करते हैं, क्योंकि DFA में मेरे को हरेक स्टेट में हरेक इनपुट के लिए डिजाइन करना पड़ता है कि ये 1 के लिए कहां जा रहा है, 0 के लिए कहां जा रहा है, 0 के लिए कहां जा रहा है, 1 के लिए कहां जा रहा है, ये 0 के लिए, 1 के लिए कहां जा रहा है। NFA के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड है। तो डेड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है आपको यहां पे 0 या 1 के लिए कोई बनाने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई ट्रैप स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल जो है वो इस तरीके से बना सकते हो। हाँ, लेकिन हमारे पास जो है
स्टार्टिंग में जीरो और वन में कोई भी आ सकता है, तो जीरो और वन में अगर कोई भी आ सकता है तो मैं जीरो और वन का क्या बना देता हूं, लूप बना देता हूं। उससे क्या होगा, ये आपका एक्सप्रेशन बन गया, स्टार्टिंग में जीरो या वन में से कोई भी आ सकता है, तो जीरो या वन में मैंने लूप बना दिया। तो ये लूप क्या बना रहा है, जीरो या वन में से कुछ भी आ सकता है, कितने मर्जी टाइम आ सकता है, लेकिन उसके बाद आपके पास वन आना चाहिए और वन के बाद जीरो या वन में से कोई भी एक सिंबल आना चाहिए। तो इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं एनएफए। तो देखो इसमें मल्टीपल चॉइसेस बन रही है, मल्टीपल चॉइसेस है, वन के लिए ये लूप में भी है और वन के लिए ये क्यू वन पे भी जा रहा है। यहां पे अगर बात करो क्यू टू जीरो और वन पे कहां जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा, डेड कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको बोलते हैं हम एनएफए। वैसे भी एनएफए और डीएफए के बीच में जो डिफरेंस है वो मैंने लास्ट वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो प्लीज जरूर चेक कर ले, क्योंकि टीओसी में जितनी भी वीडियोस मैं लेके आ रहा हूं बिल्कुल इनिशियल स्टेट से लेके आ रहा हूं, तो ये सारी वीडियोस आपस में कनेक्टेड है, तो आप एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर ले ताकि आपको क्लियर हो जाए इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो इस तरीके से हम इसको डिजाइन करते हैं NFA को। लेकिन अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको DFA डिजाइन करना है, तो DFA डिजाइन करने के लिए आपको या तो कन्वर्जन एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा, NFA टू DFA का कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर आप कन्वर्ट करके बनाओगे DFA तो आपको खुद पता लगेगा कि डिजाइन करना NFA क्यों इजी है, क्योंकि DFA के डिजाइन में आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, नंबर ऑफ स्टेट्स भी उसमें ज्यादा होंगी और कॉम्प्लेक्सिटी भी उसके इसमें ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें ना तो डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड है ना मल्टीपल चॉइसेस अलाउड है। Thank you.